गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा तीसरा पाठ सच्ची वीरता। ये जो पाठ है, इस पाठ के लेखक हैं सरदार पूरन सिंह, और हमने ये जो पाठ है इसका अभ्यास कार्य शुरू किया था। अभ्यास कार्य में हमने कुछ प्रश्न देखे हैं, आज जो है आगे के प्रश्न देखने वाले थे। देखिए, उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पर उचित मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। मैं आपको एक शब्द बनाकर दूंगा, अगले बचे हुए जो शब्द है ये आपको स्वयं बनाना है, ठीक है। तो देखिए, पहला शब्द है, यहाँ पर उचित मात्रा लगाकर शब्द बन रहा है। तो देखिए, क के बाद उचित मात्रा लगाइए, का हो गया र, और ये न के बाद ये जो घ है, घ के बाद उचित मात्रा लगाइए, खा हो गया, और न के बाद उचित मात्रा लगाइए एक। तो देखिए, शब्द बना है कारखाना, ठीक है। शब्द क्या बना है? कारखाना। तो इस प्रकार से आपको जो बचे हुए शब्द है उनके अंदर उचित मात्रा लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है प, और व के पहले मात्रा लगाई है तो शब्द बनता है पवित्रता, तो उसके बाद एक मात्रा लगाइए। देखिए, इस तरह से आप जो है मात्रा लगाकर जो है नए शब्द बना सकते हैं। जो अर्थपूर्ण शब्द हो वो आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, पढ़िए और समझकर शब्द बनाइए। देश और विदेश, देश और विदेश, और ये निकालकर जो है हमें यहां पर जो है उचित चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो देखिए, देश विदेश, आना जाना, आना और जाने का क्या हुआ? आना जाना, ठीक है, आना जाना। आगे है माता और पिता, तो शब्द बनेगा माता पिता, माता पिता। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, ये शब्द बनेगा, ठीक है। खट्टा और मीठा का क्या होगा? खट्टा मीठा। इसी प्रकार शब्द दिया गया जीवन और मरण, इसका बनेगा जीवन मरण, ठीक है, जीवन मरण। अगला शब्द है आयात और निर्यात, तो बनेगा आयात निर्यात, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ व्याकरण से, देखिए, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो होता है शब्द से पहले जुड़ता है, क्या है? शब्द से पहले, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया गया है, ये बल शब्द है, ठीक है, इस बल शब्द के पहले स उपसर्ग लगाए, ठीक है, और शब्द बनाए सबल, ठीक है। बल इस शब्द का जो है स उपसर्ग लगने की वजह से जो है अर्थ बदल गया है, ठीक है। क्या बदल, शब्द बनाए सबल। तो उसी प्रकार कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, तो हमें जो है इन शब्दों से जो है जो उपसर्ग है वो बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये गए उदाहरण के तौर पर दिया गया था, स जमा बल बना शब्द सबल, अ जमा धीर शब्द बना अधीर। इसी समान जो है उपसर्ग जोड़कर दो दो शब्द बनाना है, ठीक है। तो देखिए, सु उपसर्ग जोड़ना है, कौन सा? सु, एक हमें करके दिया गया है सु अवसर, तो हमें दो शब्द बनाना है। तो देखिए, एक बना है सुपुत्र, दूसरा बना है सुकुमार। तो यहाँ पर पुत्र के आगे सु उपसर्ग लगा है, यहाँ पर जो है कुमार के आगे सु उपसर्ग लगा है, ठीक है। अब देखिए अगला है प्र, उपसर्ग कौन सा दिया गया है? प्र, तो शब्द बना है प्रयोग, जो भी शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगा है शब्द बदल गया है, प्रयोग हो गया है, ठीक है। भाव, इस शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगाकर शब्द बना है प्रभाव, और इसी
उसी प्रकार हाल शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगकर शब्द बना है प्रहार। अब देखिए अन ये उपसर्ग हमें लगाना है और इससे नए शब्द बनाना है। तो जान शब्द में अन उपसर्ग लगने की वजह से शब्द बना अनजान। मोल इस शब्द में अन उपसर्ग लगने की वजह से शब्द बना है अनमोल। उसी प्रकार पढ़ इस शब्द में अन उपसर्ग लगकर बना है शब्द अनपढ़। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए अगला प्रश्न। जो कुछ अगले शब्द है वो देखिए, स उपसर्ग लगाकर शब्द दिया गया है बनाकर सफल। हमें इसी प्रकार दो शब्द बनाना है, सपरिवार सचे। इसी प्रकार सम सम जो है उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है। एक शब्द है सम्मान, दूसरा एक शब्द सम्मेलन और अगला शब्द है सम्मुख। उसके बाद जो है निर उपसर्ग लगाकर जो है हमें शब्द बनाना है, शब्द बनता है निर्बल निर्भय और निर्दोष। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। हमें यहाँ पर कुछ शब्द प्रश्न दिए गए हैं, उनके घटक दिए गए हैं उत्तर के, उसमें से जो सही उत्तर है उस पर जो है सही का निशान लगाना है। तो देखिए दिए गए शब्द है दिखावा। किस शब्द दिखावा शब्द किस प्रत्यय को जोड़कर बना है? तो बताइए दिखावा ये जो शब्द है किस प्रत्यय को जोड़कर बना है? प्रत्यय है आवा वा या आ। बताइए कौन सा प्रत्यय लगा है? जी हाँ, प्रत्यय लगा है आवा। इस पर सही का निशान लगाइए। अगला शब्द है घबराहट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? घबराहट इस शब्द में किस प्रत्यय का जो है प्रयोग हुआ है? हट आहट या तो? जी हाँ, आहट इस शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? बताइए पढ़ाई इस शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? आई ई या ई? जी हाँ, आई। पढ़ाई शब्द में आई ये प्रत्यय जुड़ा है। अगला शब्द है विकसित में मूल शब्द बताइए। विकसित इस शब्द में मूल शब्द हमें बताना है, तो बताइए विकस विकास या कसित कौन सा है? विकसित इस शब्द में मूल शब्द कौन सा है? जी हाँ, विकास। ठीक है, इस पर सही का निशान लगाइए। अगला शब्द है चंचलता। चंचलता इस शब्द में जो है मूल शब्द कौन सा है? लता चंचल या चंचल? जी हाँ, चंचल ये जो है मूल शब्द है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न कुछ कल्पना कुछ अनुमान आपको ये स्वयं करना है। तो देखिए क्या क्या करना है आपको, देखिए क्या आपने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो समाज की परवाह न करते हुए अपने काम में लगा रहा हो तथा उसमें सफल भी हुआ हो? ऐसे आपको कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति है क्या? जी हाँ, अगर आपके पास ऐसा आसपास में ऐसा व्यक्ति हो तो उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है। ठीक है, देखिए कार्यकलाप में देखिए अपने देश के ऐसे 5 वीरों के नाम लिखिए जो अपनी असाधारण वीरता के कारण अमर हो गए हो, उनके चित्र अपनी कक्षा के बोर्ड पर लगाइए। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अपने देश के जो ऐसे 5 वीर हैं उनके नाम ढूंढना है और नाम लिखकर उन 5 वीरों के जो है आपको चित्र लगाना है। और वो चित्र वीर कैसे होना चाहिए? वो जो है अपनी असाधारण वीरता के कारण जो है अमर हो गए, जैसा कि हम जो है वीरों में एक नाम मैं बताता हूँ आपको, बाकी भी ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि वीर भगत सिंह। ठीक है, आपको जो है वीर भगत सिंह का नाम लिखना है ऊपर और जो है उनका चित्र चिपका कर जो है अगले जो 4-5 जो वीर है उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, और उनके चित्र चिपकाने हैं और एक आपको चार्ट बनाना है और उसको जो है अपनी कक्षा में लगाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको ये जो आपका जो सैटरडे में आप आते हो वर्कशीट जाने के लिए तो उस दिन आपको ये सबमिट करना है। ठीक है, अब देखिए गणतंत्र दिवस पर प्रतिवर्ष वीर बालक तथा बालिकाओं को वीरता पुरस्कार दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपको क्या करना है, ये हर बार देखिए हर साल
उसके अंदर जो बच्चे जो होते हैं उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो गणतंत्र दिवस पर जो है हर साल जो है वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो हमें क्या करना है उनके बारे में, जो वीरता पुरस्कार प्राप्त जो स्टूडेंट्स है, जो बालक है, उनके बारे में हमें मालूमात हासिल करनी है और उनके बारे में जो है आपको लिखना है। जैसे कि हमारा जो अर्धापुर है, ठीक है, अर्धापुर तालुके के अंदर जो है एक जो बच्चा है उसे जो है ये वीरता पुरस्कार मिला है। आपको उसके बारे में जो है मालूमात हासिल करनी है, ठीक है, कि वो कौन सा बालक है जिसे ये जो है वीरता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब देखिए वीरों या वीरता से संबंधित एक कविता तथा एक सूक्ति लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कविता लिखना है वीरों के बारे में या वीरता के बारे में। ठीक है, वो भी आप जो है उसका भी चार्ट बना सकते हो। आप देखिए आपको क्या करना है, हवलदार हमीद अब्दुल हमीद जो है उनके बारे में, बिकाई जी कामा जो है उनके बारे में, इनके जैसे जो अन्य जो वीर है उनके बारे में जो है आपको जानकारी हासिल करनी है। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वीर बालक तथा वीर बालिकाएं ये जो पुस्तक है ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको हासिल होता है गीता प्रेस गोरखपुर इनके द्वारा जो है हर साल जो है वीर बालक तथा वीर बालिकाएं ये जो है पुस्तक प्रकाशित होता है वो आपको जो है अगर उपलब्ध होता है तो आपको उसके बारे में पढ़ना है पुस्तक। ठीक है, इस तरह से ये पाठ हमने देखा है, इसके आज का जवाब है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।